होता है, क्या अरब के लोग अल्लाह को मानते थे कि नहीं मानते थे? आज बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम कैसे शिर्क कर रहे हैं, हम तो मानते ना अल्लाह को, हम अल्लाह को मानते हैं फिर हम शिर्क कैसा कर रहे हैं? शिर्क तो वो करते हैं, शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। तौहीद किसको कहते हैं? अल्लाह को मानना। बहुत सारे लोगों को अफसोस कि तौहीद अब तक नहीं मालूम है। तौहीद अल्लाह को मानने का नाम नहीं है, तौहीद महज अल्लाह को मानने का नाम नहीं है, अल्लाह ही को माबूद मानने का और कोई और माबूद नहीं है ये मानने का नाम तौहीद है। औरों का जब तक के इनकार नहीं होता है तौहीद बनती ही नहीं है, जब तक के दूसरों का इनकार नहीं करता है वो तौहीद वाला नहीं हो सकता है। इसीलिए आपने क्या फरमाया कि वो अय्युहद अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की जाए। वो अल्लाह को मानते थे, वो अल्लाह को मानते थे, वो अल्लाह को मानते थे। आइए देखिए कैसा मानते थे। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, अब मुशरिकीन का हाल देखिए, अल्लाह ने कुरान करीम में खुद उनका हाल बयान किया है, वो ऐसे थे। लिहाजा तारीख में ऐसा है वैसा है, कोई आदमी नहीं मानता अगर, उसको कुरान को तो मानना पड़ेगा। कोई आदमी कहे वो अल्लाह को थोड़ी मानते थे, वो तो बुतों को मानते थे, बुतों को मानते थे, वो बुतों को मानते थे लेकिन वो अल्लाह को भी मानते थे। और अल्लाह को कैसा मानते थे जरा आप ये भी देखो, अल्लाह को मानते थे कि नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाही इल्ला वहुम मुशरिकून, उनकी अक्सरियत का हाल यह है कि वो अल्लाह को मानते हैं और फिर भी मुशरिक है। यानी मेजॉरिटी उनमें से कुछ अल्लाह को नहीं मानने वाले भी थे, बोले तो क्या जिंदगी, मर की मिट्टी होने वाले, कोई नहीं है, कुछ कोई खालिक नहीं है, ऐसे भी लोग उनमें थे। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाही इल्ला वहुम मुशरिकून, उनकी अक्सरियत का हाल यह है, मक्का के लोगों की बात हो रही है, अरब के लोगों की बात हो रही है, इनकी मेजॉरिटी ऐसी है कि वो अल्लाह को मानती है लेकिन फिर भी मुशरिक है। मालूम हुआ एक आदमी अल्लाह को मान के भी मुशरिक हो सकता है। अल्लाह को मानने से मुआहिद हो जाता है? नहीं। अल्लाह को मानने वाला मुशरिक हो सकता है? हाँ। कौन बोल रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है कि उनकी अक्सरियत अल्लाह को मान के भी मुशरिक है। आइए देखते हैं कैसे मानते थे अल्लाह को अहले अरब। अल्लाह को कैसा मानते थे खुद कुरान में अल्लाह ने बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाता है वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ध वसख़र अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन अल्लाह फअन्ना युफ़क़ूल। सूरह अल अनकबूत में अल्लाह ने फरमाया अगर तू ए नबी अगर आप उनसे पूछोगे कि आसमानों को किसने पैदा किया, जमीन को किसने पैदा किया, और सूरज और चांद को कौन पाबंद बनाए हुए हैं, सूरज और चांद किसके ताबे चलते हैं, वो जवाब में कहेंगे अल्लाह। वो जवाब में क्या कहेंगे? अल्लाह है, अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, और सूरज चांद अल्लाह के हुक्म के मातहत चल रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया अन्ना युफकून, फिर कहां से ये झूठ में फंस जाते हैं? जब इतना मानते हैं कि खालिक अल्लाह है और सारी कायनात का पैदा करने वाला और निजाम चलाने वाला अल्लाह है, तो फिर ये शिर्क में क्यों मुब्तिला है? क्योंकि शिर्क क्या है? झूठ है। सबसे बड़ा झूठ कायनात का क्या है? शिर्क। आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कुल लिमनिल अर्द व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। अभी देखिए इंटरोगेशन, मुशरिकीन से सवाल पूछो, ए नबी आप कहिए कि लिमनिल अर्द व मन फीहा इनकुन तुम तालमून, अगर वाकई तुमको मालूम है जरा बताओ कि ये जो पूरी जमीन है किसकी है, और जमीन पर जो कुछ भी है, पेड़ पौधे इंसान चरिंद परिंद जो भी है, पहाड़ दरिया, ये जो जमीन पर जो कुछ भी है किसका है, जरा बताओ तो सही, अगर जानते हो तो बताओ, जमीन पर जो भी है किसका है? किसको पूछने जा रहे हैं? ईमान वालों को। मुशरिकीन से पूछो जमीन पूरी की पूरी अर्थ धरती किसकी है, और उस पर जो कुछ है वो किसका है, पूछो जरा इनको। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है सयकूलूना लिल्लाह, वो जवाब यही कहेंगे सब अल्लाह का है। सबका मालिक कौन है? सबका मालिक एक बोले तो मुसलमान हो जाता, वो मालिक अल्लाह को मान रहे हैं फिर भी अल्लाह क्या फरमा रहा है, फिर भी अल्लाह ताला कह रहा है, फिर भी वो मुशरिक है, अल्लाह पर ईमान रखकर भी मुशरिक है। उनसे पूछो जमीन और उस पर जो कुछ है वो किसका है। बहुत सारे हमारे भाई क्या होते हैं,
पत्ता पत्ता उसका मालिक भी अल्लाह है, फिर तू इसके उसके दत्ता के आगे क्यों झुक रहा है? अल्लाह दत्ता, अमीर दत्ता, मुंशी दत्ता, किसके आगे क्यों झुक रहा है तू? इसके उसके आगे मेरे दाता रहे ना यहाँ पे, जाते लोग जीना आता लोगों के अंदर झुकते, दादा बाबा छोड़ दो ये करो, वो जीन होता है, नाटक कंपनी पूरी होती है लोगों को गुमराह करने के लिए। इस्लाम की इतने सारे दुश्मन है, बाबा क्यों नहीं कर रहे कुछ? और इसके आंग बदन में जीना आया, उसको ऐसा हुआ, ये औलाद दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, सब दे रहे, बाकी कहाँ है कुछ? इस्लाम का जितना भी नुकसान मुसलमानों को हो रहा क्या कर रहे हैं? बगदाद में इधर उधर है ना, अल्लाह वाले हैं ना, उनकी कब्रें हैं ना, मुसलमानों के साथ जो कुछ भी आया उन्होंने कुछ किया नहीं किया, और क्या कर रहे हैं? चिंटू को, पिंटू को, उसको पास होना इम्तिहान में, ये होना, गुड्डू पास हो जाए इम्तिहान में, लड़की, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, और इतना मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू खत्म हो रही है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? सोचिए, मस्जिदें ये वो सब क्या है? कौन कुछ नहीं कर सकता है? अल्लाह है कि जब चाहता है करता है। कोई आदमी का फिर अल्लाह भी तो है ना, फिर अल्लाह नहीं कर रहा तो वो भी नहीं कर रहे, अल्लाह क्यों नहीं कर रहा? फिर अल्लाह की मर्जी चलती है, लेकिन तुम्हारा कहना है कि मांगे तो ये देते हैं, फिर इनका भी मामला वैसे तो फर्क क्या है? फिर आपको कैसे मालूम पड़ा इन्होंने दिए? कोई आपके पास बिल आया उसका, आपको हमने दिया, आपको कैसा मालूम पड़ा? देने वाला तो वही है, आप समझ रहे कि इन्होंने दिया है। फिर जो आदमी बुतों से मांग रहा है वो बोल रहा है मेरे को बुत से मिल रहा है, तो आप कैसा बोलते ये नहीं दे रहा? फिर ये भी मानो कि बुत भी देता है, ये भी मानो कि बुत भी देता है, क्योंकि मिला ना उसको। कई लोग जाके आते हैं मंदिरों के ऊपर और वो मानते हैं कि हमको इससे मिलता है। आप कैसा बोलेंगे फिर? नहीं नहीं, वो अल्लाह दे रहा है। आप कैसा बोलेंगे? वो बोल रहा है मुझको मिला, मैं गया जब मिला मुझको, तो आपको मानना पड़ेगा, फिर वो भी मानना पड़ेगा। देने वाला एक है, लोग ये समझते हैं कि कोई और दे रहा है। अब जिसका जैसी अकल चलती वैसा वो मानने लगता है। अल्लाह ने फरमाया, आप उनसे पूछो कि जमीन और उसमें जो कुछ है वो किसका है? वो जवाब में कहेंगे अल्लाह का है। अल्लाह फरमाता, कुल अफला तदक्करून, तुम गौर क्यों नहीं करते फिर? जब सब अल्लाह का है तो मांगते दूसरे से क्यों? गौर क्यों नहीं करते? आप फिर एक दूसरा सवाल उनसे पूछो, कुल मर रब्बुस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अब जमीन का हुआ, अब आसमान की बारी आई, उनसे पूछो कि सातों आसमानों का रब, सातों आसमानों का रब और अर्श अज़ीम का रब कौन है? जरा उनको पूछो। सयकूलुना लिल्लाह, जवाब बदला, वो कहेंगे अल्लाह का ही है, अल्लाह ही है जो सातों आसमानों का रब है और अर्श अज़ीम का रब भी अल्लाह है। कुल अफला तत्तकून, ऐ नबी आप उनसे कहो फिर तुम बचते क्यों नहीं, तुम डरते क्यों नहीं? जब आसमानों का रब भी अल्लाह है, जमीन का रब भी अल्लाह है, अर्श का रब भी अल्लाह है और सब कुछ उसी का है, फिर तुम डरते क्यों नहीं शिर्क करने से? इतना बड़ा है मालिक, तुमको सजा देगा तो तुम क्या कर सकोगे? कौन सी जमीन में भागोगे? कौन से आसमान में जाके छुपोगे? तुम डरते क्यों नहीं? अफला तत्तकून। फिर तीसरा सवाल पूछो, कुल मन बियदिही मलकूत कुल्ली शैइन व हुवा युजीर व ला युजार अलैहि इन कुंतुम तालमून। पूछो, क्या पूछो? कौन है जिसके हाथ में हर चीज के खजाने हैं? व हुवा युजीर व ला युजार अलैहि, और वो हर एक के मुकाबले में पनाह दे सकता है, लेकिन वो अगर पकड़ने पर आए तो कोई पनाह नहीं दे सकता, ऐसा कौन है जरा बताओ? जवाब में वो क्या कहेंगे? सयकूलुना लिल्लाह, अल्लाह, ऐसा तो बस, ऐसा कौन है? अल्लाह है। आपने फरमाया फअन्ना तुसहरून, अरे तुम्हारे पे कहां से जादू हो रहा? फिर जादू हुआ तुम्हारे ऊपर? जब अल्लाह ही आसमान और जमीन का मालिक है, अल्लाह ही सारे खजानों का मालिक है, अल्लाह ही का सब कुछ है, अल्लाह ही अर्श का मालिक है, अल्लाह ही है कि वो तकलीफों से बचा सकता है, उसकी तरफ से आने वाली तकलीफ से कोई बचा नहीं सकता है। जब अल्लाह ऐसा है, इधर उधर काय को जा रहे तुम लोग, इधर उधर क्यों जा रहे हो? फिर तुम पे जादू हुआ है कि जादू होने के बाद जब आदमी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, उल्टी उल्टी हरकतें करने लगता है, क्या जादू है तुम्हारे ऊपर? तुम होश हवास में हो कि नहीं हो? तुम्हारे पे जादू हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे तुम लोग? कुरान करीम में इस सूरह अल-मुमिनून की आयत नंबर 84 से लेकर 79 तक है, इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि वो लोग जवाब में यही कहेंगे अल्लाह अल्लाह। वो अल्लाह को मानने वाले लोग थे, मुशरिकीन अल्लाह को मानते थे, और कैसा मानते थे? ऐसा मानते थे उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता है, आसमान और जमीन का मालिक वही है, सारे खजाने उसके हाथ में है, इतना बड़ा अल्लाह को मानते थे। फिर भी
वो क्या हो गए, अल्लाह के नजदीक मुशरिक हुए। बल्कि वो अपने बुतों से, आपने थोड़ी देर पहले सुना था, वो मांगते थे, लेकिन उनके मांगने की बुतों से एक लिमिट थी, एक टाइम आता था कि बुतों को छोड़ देते थे, फिर सब सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। वो खालिस अल्लाह से दुआ भी करते थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फइदा रकिबु फिल फुल्की दाउ अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जब वो कश्तियों में सवार होते हैं और जब तूफान आता है और ऐसा यकीन हो जाता है अब डूबे, नैया पार लगा दो, जब ये वक्त आता है कि आप डूब गई कश्ती, आप डूबने वाले हैं एकदम, जब यकीन हो जाता है कि डूबने वाले हैं, फइदा रकिबु फिल फुल्की दाउ अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपनी पूरी दुआ को अपने पूरे इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। लेकिन फलम्मा नजाहुम इलल बर्र इदा हुम युशरिकून, लेकिन फिर जब अल्लाह बचा के उनको लाता है और खुशकी में जमीन पर पहुंचते हैं, फौरन शिर्क करना शुरू करते हैं। देखो बाबा थे ना तो अपना काम बना, फिर चल जब एकदम लगता है कि कोई नहीं कर सकता है, अल्लाह 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 जब दे देता है, और देखिए ऐसों को भी अल्लाह ने क्या फरमाया, फलम में नजात देता कौन है, अल्लाह देता है। जब अल्लाह उनको भी नजात देता है, जब वो अल्लाह को पुकारते हैं, जब उनको अल्लाह नजात दे देता है, तो फिर जमीन पर जब पहुंचते हैं तो फिर से वापस से शिर्क करना शुरू करते हैं। ये उनका हाल था कि वो अल्लाह से दुआ करते थे। और अल्लाह ने फरमाया, कुल अराएतुकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअ। ए नबी आप उनसे कहो कि तुम्हारा क्या कहना है, अगर अल्लाह तुम पर अजाब डाल दे या कियामत ही ले आए, अगैर अल्लाह तदउना इन कुंतुम सादिकीन, क्या अल्लाह के सिवा कोई है जिसको तुम पुकारोगे, अल्लाह के सिवा कोई है लायक जिसको तुम पुकार सको उससे बचाने के लिए, अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए किसी और को पुकार सकते हो, कयामत से बचने के लिए किसी और को पुकार सकते हो? अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, बल इय्याहु तदउन, बल्कि तुम अल्लाह ही को पुकारते हो, उस अल्लाह ही को पुकारते हो। फयक्षिफु मा तदउना इलैही इंशा, फिर जिस चीज के नजात के लिए और मुसीबत से निकलने के लिए तुम उसको पुकारते हो, अगर वो चाहता है तुमको नजात देता है, अगर वो चाहता है तुमको नजात देता है। वो तनसौ नमा तुश्रिकून, और वो तनसौ नमा तुश्रिकून, उस हालत में जब वाकई तुम्हारा मामला होता है कि आप सॉल्व नहीं हो रहा, जब अल्लाह को पुकार रहे होते हो तो उस वक्त में सारे बूतों को भूल जाते हैं, लेकिन जैसी मुसीबत टल जाती है वापस से भूत याद आ जाते, अल्लाह को भूल जाते हैं। तो ये उनका हाल सूरह अल अनआम में अल्लाह ने कहा है, वो अल्लाह को मानने वाले लोग थे, वो अल्लाह से मांगने वाले लोग थे। ऐसा नहीं कि वो अल्लाह से नहीं मांगते थे, बुतों से मांगते थे, वो अल्लाह से मांगते थे। और कश्तियां जब डूबने लगती थी तो सब के सब मिलके, फिर इसको नहीं, इसका बाबा अलग, उसका बाबा अलग, सब किसको किसको पुकारे, कौन कौन आएगा मदद के लिए, वो सब छोड़ते थे, सब छोड़ो, लात उज्जा मनात सब छोड़ो, अभी अभी एक ही से काम होने वाला है, अनेक से नहीं, अब एक ही से, वो कौन है, वो अल्लाह है। यानी उनके नजदीक सुप्रीम पावर, फाइनल अथॉरिटी, कुछ नहीं होता तो होता कहां से, कौन था, अल्लाह को मानते थे, सबसे बड़ा अल्लाह को मानते थे।